नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर प्रदेश व देश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराजगंज में ससुराल गए युवक की गला कसकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बनियारा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में अपनी साली के साथ शादी समारोह में युवक अपने ससुराल में पहुंचा था। सुबह गांव के पूर्व किनारे पर शव खेत में मिला है। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक परसा मालिक थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव का निवासी राम प्रवेश चौहान है, जो साली की शादी में अपने ससुराल गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की गला कसकर हत्या कर शव खेत में फेंकना प्रतीत हो रहा है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या कुछ कहा आशुतोष शुक्ल ASP महाराजगंज ने, आपको सुनवाते हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे इसे पुलिस दे रही है? ये राम प्रवेश चौहान है मृतक, जो परसा मलिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अपनी ससुराल में रानीपुर थाना पनेरा में आया हुआ था, उसके साले की शादी थी। इसके बाद आज सुबह लोगों ने उसके शव को एक खेत में पड़ा हुआ देखा है। गले में रस्सी कसी हुई है। इसमें यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी वजह से किसी विवाद को लेकर के इसको मारा गया है, बाद में इसके शव को खेत में फेंक दिया गया है। मृत्यु का असली कारण जानने के लिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें अब तक छानबीन से ही आ रहा है कि ससुराल के लोगों से कुछ उसकी अनबन हो गई थी, कुछ वाद विवाद हो गया था, उसी वजह से संभवतः ऐसा हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पुष्ट हो जाएगा कि मौत का कारण क्या है और उसके पश्चात फिर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।